हेलो फ्रेंड्स आज अपन एक प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री के द्वारा बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करेंगे अपने को एक प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है जिसको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी वी नोट से प्रोजेक्ट किया गया है ये प्रोजेक्टाइल एक पैराबोलिक पाथ पे मूव करता हुआ वापस ग्राउंड पे लैंड करता है अपने को इस कर्व के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसिडर करता हूँ ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर इस लाइन का हाइट हो जाएगा वाई यानी इस पॉइंट पे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई स्ट्रिप की वेट अपन डीएक्स लेते हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स प्लस डीएक्स अब कर्व का एरिया कैलकुलेट करने के लिए अपन पहले स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो जाएगी चूंकि dx काफी स्मॉल है अपन इस स्मॉल पार्ट को नेगलेक्ट कर सकते हैं तो केवल रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया अगर मैं लिखूं तो एरिया ये हो जाएगा हाइट इंटू वेड वाई इंटू डी एक्स और इसको अपन इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू आर तक वेरी करेगी जहाँ पे आर पार्टिकल का रेंज है तो जीरो से कैपिटल आर तक इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कर्व के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया अपने को मिल जाएगा अब अपन वाई और एक्स दोनों को टाइम के फंक्शन के रूप में लिखते हैं जब पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचता है एक्स कोमा वाई पे तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट कोस थीटा और एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन यूनिफॉर्म है तो एक्स को मैं लिख सकता हूँ वी नॉट कोस थीटा इन टी वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन एक्सेलरेटेड है पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट को मैं ये लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इसको अपन इक्वेशन वन बोल देते हैं ये अपने पास इक्वेशन टू है अपने को इंटीग्रेशन में वाई की जगह ये वैल्यू पुट करनी है डी एक्स की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे अपन इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास ये आएगा dx इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इन टू डी टी इसको इक्वेशन थ्री बोल देता हूं अब इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री से वाई और dx की वैल्यू अपन इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो एरिया अपने पास ये आएगा इंटीग्रेशन इन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए वी नॉट कोस थीटा डी टी अब देखिए यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल एक्स था जिसकी वैल्यू जीरो से आर तक वेरी कर रही थी जब एक्स जीरो से आर तक वेरी करेगा तो टाइम की वैल्यू जीरो से टाइम ऑफ फ्लाइट तक वेरी करेगी टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी तो अपन जीरो से टाइम ऑफ फ्लाइट तक इंटीग्रेट कर देते हैं अब इंटीग्रेशन कैरी आउट करने के लिए अपन कांस्टेंट टर्म्स को तो पहले बाहर निकाल लेते हैं तो वी नॉट कोस थीटा को तो बाहर निकाल लिया और पहली टर्म को इंटीग्रेट करते हैं इन थीटा तो कांस्टेंट है t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करेंगे z बाई टू तो कांस्टेंट है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री और इसमें अपन लिमिट्स पुट करेंगे अपर लिमिट होगा टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी लोअर लिमिट होगा जीरो तो पहले अपन अपर लिमिट पुट कर देते हैं लोअर लिमिट पुट करेंगे तो टी स्क्वायर, टी क्यूब दोनों जीरो हो जाएंगे यानी दोनों टर्म्स आपकी जीरो हो जाएंगे तो केवल अपर लिमिट ही मैं पुट करूंगा अपने पास ही आएगा वी नॉट कोस थीटा वी नॉट साइन थीटा बाई टू और टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा फोर वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर माइनस जी वाई सिक्स टी क्यूब की जगह अपन यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं टी की वैल्यू पुट करूँगा टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी तो टी क्यूब की जगह आ जाएगा एट वी नॉट क्यूब साइन क्यूब थीटा अपॉन जी क्यूब अब देखिए अपन v नॉट क्यूब साइन क्यूब थीटा को बाहर निकाल लेते हैं इन दोनों एक्सप्रेशंस में v नॉट क्यूब साइन क्यूब थीटा अपने पास आ रहा है यहां भी v नॉट क्यूब साइन क्यूब थीटा है तो बाहर अपने पास ये हो जाएगा v नॉट टू द पावर फोर साइन क्यूब थीटा कोस थीटा साथ ही जी स्क्वायर को भी बाहर निकाल लेते हैं यहां पे जी स्क्वायर है यहां भी इस जी से एक पावर कट हो जाएगी तो नीचे जी स्क्वायर रह जाएगा तो जी स्क्वायर को भी बाहर निकाल लिया अब अंदर देखिए अपने पास ये रहेगा फोर बाई टू तो हो जाएगा टू माइनस यहां पे देखिए एट बाई सिक्स होगा फोर बाई थ्री के बराबर और टू माइनस फोर बाई थ्री हो जाएगा टू बाई थ्री तो ये आ जाएगा टू वी नॉट टू पावर फोर साइन क्यूब थीटा कोस थीटा अपॉन थ्री जी स्क्वायर तो इस तरह से अपन एरिया को थीटा के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं अब अपन ये पता कर सकते हैं कि अगर पार्टिकल को एक गिवन वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है एक गिवन स्पीड से प्रोजेक्ट किया है तो किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए ताकि बाउंडेड एरिया मैक्सिमम हो तो उसके लिए अपन ए को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर देते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए तो देखिए फॉर ए इक्वल टू ए मैक्स डी ए वाई डी थीटा मस्ट बी जीरो एरिया को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू वी नॉट टू पावर फोर अपॉन थ्री जी स्क्वायर ये तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा अपने को डिफ्रेंशिएट करना है साइन क्यूब थीटा इनटू कॉस थीटा को अब इस कांस्टेंट टर्म को अगर राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो राइट हैंड साइड में जीरो बन जाएगी राइट हैंड साइड में जाने के बाद कांस्टेंट टर्म आपकी जीरो हो जाएगी अब साइन क्यूब थीटा इंटू कोस थीटा को डिफ्रेंसिएट करते हैं अपन प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे एक बार साइन क्यूब थीटा को एज इट इज रखूंगा कोस थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा फिर अपन कोस थीटा को एज इट इज रखते हैं साइन क्यूब थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा थ्री साइन स्क्वायर थीटा इन टू कोश थीटा इज इक्वल टू जीरो और इसको मैं ये लिख सकता हूं माइनस साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस थ्री कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉमन ले लेता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा इन थ्री को स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज एक्वल टू ब्रैकेट के अंदर जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको अपन लिख लेते हैं वन माइनस को स्क्वायर थीटा तो अपने पास ब्रैकेट में ये बन जाएगा फोर को स्क्वायर थीटा माइनस वन इज एक्वल टू सीरो थीटा की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती तो अपन सेकेंड टर्म को जीरो से इक्वेट कर देते हैं फोर को स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो या को स्क्वायर थीटा अपने पास ही आ जाएगा वन बाई फोर या कोस थीटा को अपन ये लिख सकते वन बाई टू यानी थीटा आ जाएगा सिक्सटी डिग्री तो अगर मैं प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करूं, तो एरिया मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम एरिया की वैल्यू अपन पता कर सकते हैं अगर अपन एरिया के एक्सप्रेशन में थीटा की जगह 60 डिग्री पुट कर दें तो अपने पास मैक्सिमम एरिया ही आ जाएगा ए मैक्स इज इक्वल टू टू वी नॉट टू दोर अपॉन थ्री जी स्क्वायर साइन क्यूब सिक्सटी डिग्री इंटू कोस सिक्सटी अब साइन सिक्सटी तो होता है रूट थ्री बाई टू और कोस सिक्सटी होता है वन बाई टू तो साइन सिक्सटी और कोस सिक्सटी की वैल्यू अपन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो अपने पास मैक्सिमम एरिया आ जाएगा टू वी नॉट टू पावर फोर अपॉन थ्री जी स्क्वायर यहाँ पे साइन सिक्सटी की जगह रूट थ्री बाई टू पुट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा थ्री रूट थ्री अपॉन एट कोस सिक्सटी की जगह वन बाई टू पुट कर देते हैं तो इस टू से तो ये टू कैंसिल हो जाएगा इस थ्री से ये थ्री कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास ये आएगा रूट थ्री बाई एट वी नॉट टू दावर फोर अपॉन जी स्क्वायर ये मैक्सिमम एरिया हो जाएगा एरिया मैक्सिमम होगा जब अपन प्रोजेक्टाइल को हॉडिजोनटल से सिक्सटी डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे और मैक्सिमम एरिया की वैल्यू होगी रूट थ्री बाई एट इन टू वी नॉट टू द पावर फोर अपॉन जी स्क्वायर